टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास इंटेलिजेंस होती है, क्यों नहीं इंटेलिजेंस को लेकर के पहले से वहां पुलिस बंदोबस्त किया गया, क्यों नहीं हेट स्पीच पर लगाम लगाई जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि हेट स्पीच जो करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जिला अधिकारियों को, जिला पुलिस कप्तानों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं तरीके का बयान। कोर्ट की भी अवमानना है क्योंकि केस सब जुडिस है, कोर्ट में है, ये बहुत ही निंदनीय उनका बयान है, बहुत ही इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ऐसे बयान देने से आप माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जिम्मेदारी है माहौल को अच्छा बनाने की। आप 20 करोड़ लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली है, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा, ये आपकी सोच से नहीं चलेगा। और आज देखने को मिल रहा है देश में जिस तरीके से कल ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ, जिस तरीके से कल हरियाणा के अंदर हुआ, ये जो नफरत की खेती लगातार ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग बो रहे थे, उसके जहरीले फल अब दिखाई दे रहे हैं। तनिष भाई, हरियाणा के जिले के अंदर में जिस तरह की दिक्कत है, क्या करना है? टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास इंटेलिजेंस होती है, क्यों नहीं इंटेलिजेंस को लेकर के पहले से वहां पुलिस बंदोबस्त किया गया, क्यों नहीं हेट स्पीच पर लगाम लगाई जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि हेट स्पीच जो करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जिला अधिकारियों को, जिला पुलिस कप्तानों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं हरियाणा की घटना के चंद घंटे पहले किस तरीके की हेट स्पीचेस के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पक्ष के लोग हों, लेकिन सभ्य समाज में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती।